नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। पालघर मॉब लिंचिंग के मामले में घिरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बचाव में आदित्य ठाकरे सामने आए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है, महाराष्ट्र सरकार इस तरह के अपराधों को कभी माफ नहीं करती। उन्होंने बताया कि पालघर मामले में सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि अफवाह के चलते पालघर में दो साधुओं समेत तीन लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। भीड़ को इन पर चोर होने का शक था। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सीएम के बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा, सीएम ने पालघर अपराध में अपना बयान दे दिया है। मैं खासकर सभी राजनीतिक दलों को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि साधुओं पर हमला करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार इस तरह के अपराधों को माफ नहीं करेगी। इससे पहले महाराष्ट्र सीएम ने बयान जारी किया था, पालघर घटना में कार्रवाई हो चुकी है, पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने दो साधुओं, एक ड्राइवर और पुलिसकर्मी पर हमला किया था। आगे कहा गया, इस तरह के निर्मम अपराध और शर्मनाक कृत्य में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा और इंसाफ होगा। बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर के गढ़चिंचले गांव में दो साधुओं को पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। यह पूरी घटना वहां मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों के सामने हुई। आरोपियों ने साधुओं के साथ एक ड्राइवर और पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया। हमले के बाद साधुओं को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों मृतक अंतिम संस्कार में शामिल होने कांदीवली से सूरत जा रहे थे। उन्होंने एक वैन किराए में ली थी। लॉकडाउन के बीच वे 120 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। गढ़चिंचले के पास वन विभाग के एक संतरी ने उन्हें रोक दिया। साधुओं की निर्मम हत्या का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धन्यवाद।